ऊना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सोमवार को दिव्यांग दिवस जिला मुख्यालय प्रेमाश्रम में मनाया गया, जिसमें डीसी ऊना ने दिव्यांग जनों को सम्मानित किया। वहीं प्रेमाश्रम के दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए खूब वाहवाही लूटी। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज का अभिन्न अंग है, हमें दिव्यांगजनों का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। सरकार भी इनके लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन योजनाओं को दिव्यांगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जितने भी लोग धरती पर पैदा हुए हैं, सब के सब 100% पैदा हुए हैं, 100%। और जो कमी हमको दिखती है, जो नजर आती है, वो हमारे सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी सभी को योग किया जाए तो हर इंसान में 100% है, कोई भी इंसान पीछे नहीं है। और यही वजह है कि कभी हम डिसेबल्ड बोलते थे, हैंडीकैप बोलते थे, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर कुछ लोगों से पीछे रह जाते थे, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हम आपसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे दिव्यांग। दिव्यांग इसलिए कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे शारीरिक या मानसिक, अगर पीछे किसी न किसी क्षेत्र में आप आगे हैं, जिसकी कल्पना या तो हम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं या हमें पता नहीं है, लेकिन सब के सब हम परिपूर्ण हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से विकास कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।